Hey wonderful people, welcome to my channel and I hope you all are doing great. I am Kanchana, certified fitness trainer and nutritionist, as well as I am doing masters in dietetics and food and nutrition management. Guys, today's video is on my client's transformation, that how she lost 8 kg in just 28 days. Under my guidance, मेरे diet में customized diet plan ऐसे ही होते हैं, homemade, home cooked diet plan रहते हैं. कोई भी expensive fancy stuffs आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है. जो भी आपके पास available है उन्हीं सब चीज़ों से आपका diet plan रहता है. और दूसरी बात वर्कआउट की, तो वर्कआउट ऐसे होते हैं कि आपके रूटीन के बेस पे, जैसे कि आप वर्कआउट कर सकते हो या नहीं, अगर आपका बिजी स्केड्यूल है तो आपको क्या करना चाहिए वेट लूज करने के लिए, वर्कआउट कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, और नहीं करना है तो क्या करना है. दूसरा, अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ नी पेन या फिर कोई किसी बॉडी पार्ट में पेन है, अर्थराइटिस है, तो उस केस में भी आपका डाइट प्लान ऐसा रहता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करके ही आराम से वेट लूज़ हो जाएगा. आपको कोई भी हार्ड एंड फास्ट वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है. सो लाइक डैट काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने अपना अच्छा खासा वेट लूज़ किया है. जैसे मेरी एक ये क्लाइंट है जो कि कनाडा से हैं, एंड शी लॉस्ट टोटल 8 kg इन जस्ट 28 डेज. दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. मैंने जब इनके बारे में पोस्ट किया था फ़ोटो अपने कम्युनिटी पोस्ट में इंस्टाग्राम में, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि इनका डाइट प्लान क्या है, शेयर करिए. सो दैट्स वाई मैं इनका डाइट प्लान लेकर आई हूँ. और एक और मेरी क्लाइंट जिन्होंने 1 मंथ में 15 kg लूज़ किया है वेट, उनका भी डाइट प्लान आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है. तो उनके डाइट प्लान का वेट करना, मैं उसका भी डाइट प्लान बहुत जल्दी नेक्स्ट डाइट प्लान उनका ही अपलोड करूँगी, तो वो भी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना. अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी इन क्लाइंट के बारे में बता देती हूँ. क्या एज है इनकी, क्या हाइट है, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस रहे इनके, कैसे दिखती थी बिफोर में. सबसे पहली बात तो शी वॉज फ्रॉम कैनेडा एंड इनकी एज 23 ईयर है. हाइट इनकी 5 feet 2 inches है. एंड जब वो मेरे पास आई थी तब इनका वेट 83 kgs था. एंड शी वॉज वेरी चबी गर्ल इनिशियली. एंड हार्मोनल इम्बैलेंस में इनको PCOD था, इरेगुलर पीरियड्स की दिक्कत थी. एंड अगर वो कुछ भी खाती थी तो उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी बहुत ईजीली हो जाती थी. बट बाय फॉलोइंग माई डाइट एंड वर्कआउट हर PCOD प्रॉब्लम हैज़ ऑल्सो सॉल्व, एंड उन्हें कॉन्स्टिपेशन की कोई भी दिक्कत नहीं रही. और मेरे हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट फॉलो करके काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने अपने PCOD के दिक्कत को सॉल्व किया है. जिनको टाइम पे पीरियड्स नहीं आए, जिनको महीनों से 4-5 महीनों से 1-2 साल या 3-4 साल से पीरियड्स नहीं आते, तो उनको भी 1-2 हफ्ते में ही उनके पीरियड्स आ गए हैं. उनके PCOD की दिक्कत ठीक हो गई है. नॉट ओनली द PCOD, काफ़ी सारे मेरे ऐसे भी क्लाइंट उनको BP की इशूज़ थी और वो मेडिकेशन में रहते थे. बट आफ्टर फॉलोइंग माई हेल्दी डाइट प्लान एंड वर्कआउट रूटीन, या फिर वर्कआउट ज़्यादा भी नहीं, बस मेरे डाइट को फॉलो करके उनका BP भी नॉर्मल हो गया. बिना मेडिकेशन लिए उनका BP अब नॉर्मल रहने लगा. एंड वो क्लाइंट जो थे वो UK से थे. तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारी दिक्कत का सॉल्यूशन हुआ है. सो लाइक डैट मेरी इस क्लाइंट ने भी अपना अच्छा खासा लाइक 28 डेज़ में 8 kg वेट लूज़ किया है. एंड बिफोर वेट इनका 83 kg था, एंड आफ्टर 28 डेज़ इनका वेट 75 kg हो गया. इवन दो शी इज़ अ वर्किंग लेडी, इनका मॉर्निंग में शिफ्ट स्टार्ट होता था 5 बजे एंड 3 बजे आफ्टरनून तक इनका वर्क चलता है. सो शी वॉज नॉट एबल टू डू द वर्कआउट इन द मॉर्निंग, बट इवनिंग में जैसे उन्हें टाइम था तो वो वर्कआउट करती थी. 1 टाइम अ डे वर्कआउट वो करती थी, एंड 1 टाइम करने से उन्हें अच्छा खासा 8 kg वेट लूज़ कर लिया है. मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को 2 टाइम वर्कआउट करने के लिए. अगर 2 टाइम वर्कआउट कर लिया होता इनने तो इनका आराम से इससे भी ज़्यादा लाइक 10 kg भी रिड्यूस हो सकता था इन 28 डेज़ और 30 डेज़. चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने एनरोलमेंट कितने मंथ का लिया था. इन्होंने एनरोलमेंट 4 वीक के पैकेज का लिया था, और यहाँ पे वो अगेन एनरोल कर रही हैं बिकॉज शी गॉट अमेजिंग रिजल्ट एंड शी वॉन्ट टू लूज़ मोर वेट. सो अब मैं बताती हूँ इन्होंने कैसे कैसे अपना किस सीक्वेंस में इनका वेट लूज़ हुआ था. ठीक है, जब इनका प्लान शुरू हुआ था उसके इनिशियल डेज़ में लाइक फर्स्ट वीक में ही उनका लाइक 3 kg तक वेट रिड्यूस हो गया था. एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि 7 डेज़ में 3 kg वेट लूज़ करना बहुत बड़ी बात होती है. उसी से इंसान को बूस्ट अप एंड एनर्जी मिल जाता है. इसके बाद जब सेकेंड वीक आया तो सेकेंड वीक में भी इन्होंने अपना 7 डेज़ में फिर से 3 kg वेट रिड्यूस किया. तब तो शी वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी कि इन जस्ट 14 डे 2 वीक्स के अंदर उन्हें 6 kg तक उन्हें रिड्यूस कर लिया था, विच वॉज लाइक मैजिकल और बहुत ही मोटिवेटिंग था मेरे लिए भी और उनके लिए भी. और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि डाइट बहुत ही कम कैलोरी का था या फिर स्टार्विंग था, ऐसा कुछ नहीं था. इन अ डे 4 से 5 मील्स रहते हैं, और वहाँ पे रोटी भी रहता है, सब्जी भी रहता है, दाल भी रहता है, सब कुछ रहता है जो भी आप खाना चाहते हो। तो ऐसा कोई स्टार्विंग वाला भी सीन नहीं है। स्टिल शी लॉस सच एन अमेजिंग वेट बाय ईटिंग एवरीथिंग। इसीलिए कहा जाता है कि खाना छोड़ना डाइट नहीं होता है, वो फास्टिंग होती है। अगर आप खाना छोड़ दोगे तो वो फास्टिंग होती है। आपको अच्छा डाइट लेना है ताकि आपके मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करे, आपके हार्मोन्स अच्छे से वर्क करे एंड आपका अच्छा खासा वेट लूज़ हो। अब मैं आप लोग बताती हूँ इंच लॉस कितना किया था इन्होंने। तो इनका इंच लॉस भी अच्छा खासा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। एंड बिफोर ब्रेस्ट साइज इनका 40 इंचज़ का था एंड इस 4 वीक्स के प्लान के बाद इनका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो 38.5 इंचेस इन्हें डिफरेंस इनके ब्रेस्ट साइज़ में हुआ। इसके बाद थाइज़ इनका पहले 25 इंचेस का था एंड आफ्टर 4 वीक 24 इंचेस यानी कि 1 इंचेस का डिफरेंस हुआ। इसके बाद हिप्स इनके बिफोर 42 इंचेस के थे एंड आफ्टर 4 वीक 41.5। इनका बेली फैट जो कि 41 इंच का था पहले, उसके बाद अब हो गया 38.5। तो इन्हें काफ़ी अच्छा खासा इंच लॉस किया अपने बेली एरिया से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर को डिफरेंट लुक देने में हेल्प करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में लाइक कहीं भी फैट एक्यूमुलेट हो वो इतना ज़्यादा लाइक अजीब लुक नहीं देता जितना कि बेली फैट देता है। हमारा मिड से ही पेट निकल जाना या फिर फैल जाना हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ना अलग कर देता है, गोल गुंबद जैसा बना देता है। तो बेली फैट रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़रूरी भी होता है। कंसिस्टेंसी एंड हेल्दी डाइट से कुछ भी पॉसिबल है, बस आपने अच्छे से हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट को फॉलो करना है कॉन्स्टेंटली बिना रुके। मैं आप लोग दिखा देती हूँ कुछ इनके पिक्चर्स बिफोर आफ्टर के, जिससे कि आप लोग मोटिवेट हो जाए एंड देन इसके बाद मैं आप लोग इनका डाइट प्लान बताऊँगी। अब मैं आपको डाइट प्लान भी बता देती हूँ ताकि आप लोग भी इसको फॉलो करके अपना अच्छा खासा अप टू 8 kg इन 28 डेज़ में या 1 मंथ में लूज़ कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं हमेशा गाइड करती हूँ वार्म लेमन वाटर। सो उन्होंने भी वार्म लेमन वाटर ही लिया, ठीक है। इसके बाद बात आती है वर्कआउट की। बट शी वॉज अ वर्किंग लेडी, इनका मॉर्निंग से वर्किंग शिफ्ट स्टार्ट होता था तो फिर वो सुबह का वर्कआउट नहीं करती थी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट आता था पहले। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या था, 2 ग्रीन मूंग का चीला था एंड 1 ग्लास बड़ा सा पाइनएप्पल एंड कुकुम्बर का स्मूदी, जो कि मेरे चैनल में अपलोडेड है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों को चेकआउट करना। बहुत ही अच्छा फैट बर्निंग स्मूदी है वो एंड बहुत ही डिलीशियस सा टेस्ट भी है उसका। और ग्रीन मूंग का डोसा या ग्रीन मूंग का चीला बनाना भी बहुत ईजी है। इसका भी रेसिपी मेरे समर्स डाइट प्लान में अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूँगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट का ये रहता है कि इतना सारा चीज़ हम लोग कभी खाते नहीं है, इतना सारा खाएँगे तो हमारा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा। बट जब वो चीज़ वो फॉलो करते हैं उसके बाद उनका वेट लूज़ होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपना अच्छा खासा वेट लूज़ कर लो, वो भी खाते पीते मज़े से, एकदम आपको फील ही ना हो कि आप डाइट पे हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिड पे चलते हैं। मिड में यहाँ पे है फैट कटर ड्रिंक। तो फैट कटर ड्रिंक मेरे चैनल में अवेलेबल है। इससे काफ़ी सारे लोगों जिसने भी ट्राई किया है उनको इसका 100% रिज़ल्ट मिला ही मिला है। इसीलिए ये चीज़ हमेशा डाइट में मैं ऐड करती ही हूँ। इसके बाद अब बात आती है लंच की। तो लंच में यहाँ पे है मिक्स वेज ओट्स 1 बाउल एंड 1 बाउल आपको लेनी है ग्रीन मूंग की सब्ज़ी या फिर लौकी चना दाल की सब्ज़ी या फिर करेले की सब्ज़ी या फिर भिंडी की सब्ज़ी। जो कोई भी सब्ज़ी आपके पास है आप वो हर कुछ सब्ज़ी खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आप आलू की सब्ज़ी को अवॉइड करेंगे। इसके साथ में सैलड भी है और ग्रीन टी भी है। तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं, मिक्स वेज ओट्स, सब्जी, सैलेड, ग्रीन टी, इतना कुछ खा के इंसान पूरी तरह से फुल हो जाना है। बट यहाँ पे और भी ऑप्शंस रहते हैं। दूसरे ऑप्शन में ये है कि अगर आपको मिक्स वेज ओट्स खाने का मन नहीं है तो आप इसकी जगह आप 1 ओट्स का रोटी या किसी भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं। जैसे रागी के आटे की रोटी खा सकते हैं, ज्वार के आटे की रोटी खा सकते हैं एंड सब्जी आप कोई भी खा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस लंच के रहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इवनिंग में। तो इवनिंग में यहाँ पे ड्रिंक है जो कि है चिया सीड ड्रिंक। 1 बड़ा सा ग्लास चिया सीड ड्रिंक है। कैसे बनाना है वो मेरे समर्स डाइट प्लान में अवेलेबल, आप लोग चेकआउट करना। साथ में चाट, 1 बाउल चाट का है। बॉइल्ड ग्रीन मूंग और चना को स्प्राउट्स करके उसमें अनियन, चिलीज, कैप्सिकम, टोमेटोज कट करके उसको खा सकते हैं। या फिर स्वीट कॉर्न जो होते हैं, बेबी कॉर्न्स, उसको भी आप बॉईल करके 1 बाउल खा सकते हैं। ये था इवनिंग के टाइम का मील। अब हम लोग चलते हैं और डिनर की बात कर लेते हैं। डिनर में यहाँ पे सूप है। सबसे पहले सूप यहाँ पे आप किसी का भी ले सकते हैं, कैबेज सूप ले सकते हैं, या फिर आप लौकी का सूप ले सकते हैं, या फिर आप पालक का सूप ले सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का आप, या मिक्स वेज सूप बना सकते हैं आप, ठीक है। एंड आपने वो खुद होममेड बनाने हैं, कोई रेडीमेड आपने सूप अभी नहीं यूज़ करना है। इसके साथ आपको मिक्स वेज ओट्स एक बाउल था तो, या फिर एक बाउल दलिया छोटा सा, ये चीज़ आपको वैरायटी में दी हुई थी। अगर आप ये भी नहीं खाना चाहते तो एक आप ओट्स का चीला या रागी का चीला, ज्वार का चीला बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। इतने सारे ऑप्शंस खा के कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसका डाइट हो रहा है। इवन ये सारा खा के वो पूरी टाइम एनर्जेटिक रहता है, फोकस्ड रहता है अपने वर्क में, एंड वो बिल्कुल भी वीक नहीं फील करता है। जब मैं भी अभी भी अगर मैं कभी भी डाइट करने की सोचती हूँ तो मैं तीनों टाइम यही हेल्दी डाइट प्लान लेती हूँ, मतलब हेल्दी खाती हूँ, हेल्दी फूड, एंड मुझे कभी भी वीकनेस नहीं फील होती है। गाइज आई नेवर एवर फील कि मुझे वीकनेस हो रही है। एंड वही चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप हेल्दी फूड इनटेक करते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में तो वो कभी भी वीकनेस नहीं फील होगी, आपको हेडेक फील नहीं होगा, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपको बीपी लो नहीं होगा, आपको लो डाउन नहीं फील होगा, आप बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव फील करोगे, मोटिवेशन ही मिलेगा आपको। 3 से 4 दिन के अंदर आपको फील होने लगेगा कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर आपको नज़र आ रहा है। चलो तो ये था डिनर। एंड इसके बाद आता है बिफोर ड्रिंक। बिफोर ड्रिंक में है सुपर ड्रिंक, जो कि मेरे चैनल में अवेलेबल है। वो सुपर ड्रिंक पी के इन बहुत सारे क्लाइंट्स ने अपना अच्छा खासा वेट लूज़ किया है। ना ही वेट लूज़, यहाँ तक कि मेरे जो भी ड्रिंक है उसको यूज़ करके उनके काफ़ी सारे फेस में ग्लो आया है, एक्ने और मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह भी कम हुए हैं स्मूदीज़ वगैरह से। इसीलिए कहा जाता है ये स्मूदीज़ वगैरह आपको अपने डाइट में बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ भी है, एसिडिटी की इश्यूज़ भी हो, तो वो सारी दिक्कत भी हट जाए। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं देन आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में लिख देना है #StayFit with Kanchan Rai, अपना नाम, अपने एज के साथ, और जहाँ पे आप रहते हैं वो प्लेस का नाम, और आपका करंट वेट भी आपको मेंशन कर देना है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कौन से वर्कआउट थे जो इन्होंने फॉलो किए थे। सबसे पहले तो फर्स्ट वीक में मैंने इनको 7 डे का अप्रैल का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज दिया था, एंड शी डिड इट वेरी वेल, और जो कि फॉलो करके इनका 3 kg 7 days में लॉस हुआ। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेज बचे हुए थे उसमें मैंने इनको दिया था 16 days का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, जो कि जून में किया था। तो ये सारे वर्कआउट करके इनने बहुत अच्छा खासा अपना 3 kg फिर से लूज़ किया। इनने मेरा टोटल चैलेंज जो है वो एंड डाइट दोनों प्रॉपर फॉलो किया, एंड जिससे इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा इनको मिला। सो इसीलिए मैं कहती हूँ वर्कआउट काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं मेरे चैलेंजेस के। आपका वेट लूज़ आराम से हो जाएगा फैट लॉस के साथ साथ, तो इसलिए ज़रूर उसको डेडिकेटेडली फॉलो करें हमेशा, अगर आपको वेट लूज़ सच में करना है तो। अब मैं आप लोग बता देती हूँ कि अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करने जा रहे हैं तो आपने क्या क्या कर लेना है। सबसे पहले तो आपको अपना इंचेस मेजरमेंट कर लेना है बॉडी का। दूसरा, आपको अपना वेट मेजरमेंट कर लेना है, उन सबको नोट करके रख लेना है। तीसरी चीज़, आपको डेली वेट मेज़र नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ मैं सबको मना करती हूँ, अपने क्लाइंट्स में भी। डेली वेट मेजरमेंट करने से आपको डिमोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसा हर के साथ तो नहीं होगा कि आपका हर दिन वेट लूज़ हो रहा है। बहुतों के साथ ऐसा होता भी है कि हर दिन कुछ ना कुछ वेट लूज़ हो रहा है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो इसीलिए आप हर दिन वेट चेक ना करें, आप 7 डेज़ का गैप रखें, एंड देन उसके बाद आप वेट चेक किया करें। इसके साथ बात आती है, अब अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है डाइट में, क्योंकि शुगर तो हम नहीं खा सकते डाइट में, ऑफ कोर्स आप डाइट में हो तो शुगर तो अवॉइड करनी पड़ेगी, हेल्दी ईटिंग करनी है आपको। तो उसकी जगह आप नेचुरल शुगर के लिए आप फ्रूट्स खा सकते हैं जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, डेट्स खा सकते हैं 2 से 3 जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो, चॉकलेट खाने का मन करे, ये सब चीज़ खा के ओट्स पैनकेक खा के आप अपने शुगर की क्रेविंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको दे दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम, एज, करंट वेट एंड आप कहाँ पे रहते हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंड मुझे मेरे Instagram में ज़रूर फॉलो कर लेना, Instagram हैंडल kanchana_rai। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, मोटिवेटेड रहना है एंड हमेशा मेरे चैनल को चेकआउट करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं मोटिवेशन के लिए अपने क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन को डालती रहती हूँ। If you are also thinking about getting enrolled yourself in my paid customized diet plan, then you can WhatsApp me on the number which I have mentioned in my description box. You can share the detail like name, age and the place where you live. Then I'm going to share the details of the price packages and everything, and you can get yourself enrolled and start your weight loss journey with me, because I'm going to guide you personally. There will be no assistant to guide you. Personally, Kanchan Rai will gonna guide you in your throughout your weight loss journey. So yeah guys, this was all for today's video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and stay healthy. Bye bye.